वड़कागांव एनटीपीसी के अधीनस्थ कंपनी त्रिवेणी सैनिक के ट्रांसपोर्ट कर रहे हाईवा ने गेट नंबर 4 के निकट एमसीसी बिल्डिंग 2 के समीप शाम को काम कर लौट रहे कामगार चेपाकला निवासी 28 वर्षीय सुनील भुइयां को हाईवा ने अपने चपेट में ले लिया, जिसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हाईवा घटनास्थल से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कोयला ट्रांसपोर्टिंग को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। घटना पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि पानी के छिड़काव नहीं होने के कारण काफी धूलकण उड़ते रहते हैं और सामने आने जाने वाले आदमी या गाड़ी दिखाई नहीं देते। चौराहे पर कंपनी के द्वारा किसी प्रकार कोई सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था नहीं की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही डाड़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है, स्थिति से अवगत हुए। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए आज का जो ये घटना है बड़कागांव प्रखंड में, ये हमारा जो माइंस खुला, ये माइंस यहाँ के सरकार के रेनुओं के लिए नहीं खुला, सरकार के लिए नहीं खुला है, चाहे सरकार के यहाँ जो कोयला ढोला रहा है, यहाँ की जनता के बार बार ये हत्या हो रही है, मौत हो रही है, ये हाईवा पे भी कोई लगाम नहीं लग रहा। इसके लेकर आज फिर हमारा जो सुनील भाई का जो मौत हुआ, ये बेचारे ईटा पार कर रहे थे, मजदूर थे। इसके लेकर यहाँ के साथ, यहाँ के चेपाकला पंचायत के हम लोग जनता के साथ है। कंपनी अगर 30 लाख रुपया और इसके परिवार को अगर जिम्मेवारी नहीं लेती है तो अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर माइंस बंद करेंगे और ये कंपनी का मनमानी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि 1 महीने में 2-2 हत्या होगा हमारे क्षेत्र के जनता के साथ, कि हम लोग इसीलिए यहाँ पे कंपनी खुलवाए। हम मानते हैं कि राज्य सरकार के यहाँ पे यहाँ से कोयला निकल रहा है, राज्य सरकार का रेनू जा रहा, मगर यहाँ के जनता को भी समझिए, यहाँ की जनता को भी दर्द सुने। हाईवा बार बार ये घटना हो जा रहा, प्रशासन जिला प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसके लेकर अभी यहाँ की जनता के साथ है, अगर हमारी बात नहीं सुना जाएगा तो अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर माइंस को बंद करेंगे और पूरी जनता माइंस में सूच जाएंगे और हाईवा चलावे, चाहे वो जो भी चलाना वहीं पे चला, और हम लोग जनता आज वहीं पे अपना जान गंवा देंगे। बार बार एक एक करके दो दो करके हम लोग कहां मरेंगे, इससे अच्छा हम लोग आज माइंसी में सूच जाते, माइंसी में हमारी जनता को मार दिया जाए। सही बात है।